ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू अटेम्प डेली क्वीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल पीजीटी मैथ्स एग्जाम्स लिंक इज अवेलेबल इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीन एस अकेडमी ट्वेल्थ डिसंबर की क्विज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल्स इक्वेशन है सर्कल की इस टू रेशियो थ्री आपको निकालना है कि लोकस ऑफ पॉइंट क्या होगा इसमें से सबसे पहले देखिए कि मैंने सर्कल बनाया एक लेट पी क्यू एंड पी आर बी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी एक्स वन एंड वाई वन टू द सर्कल ये जो सर्कल की इक्वेशन है कौन सी है जनरल इक्वेशन होती है ठीक है तो देन वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी इज आर पी इक्वल टू या फिर Q, ये होता है आपका अंडर रूट एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी ऐसा होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में इनका रेशो कितना है टू रेशो थ्री है मतलब पहली वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी एक्स वन का स्केयर प्लस वाई वन का स्केयर प्लस टू फोर एक्स वन प्लस थ्री अंडर रूट और दूसरी वाली क्वेश्चन होगी एक्स वन का स्क्यर प्लस वाई वन का स्क्र दिस वन माइनस सिक्स एक्स वन प्लस फाइव होल अंडर रूट और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेशियो कितना है टू बाय थ्री दिया है अगर हम स्क्वेरिंग कर दे स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि स्कर एंड रूट क्या हो जाए कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगी साथ साथ में मैं नाइन उस तरफ टू बाय थ्री था तो नाइन एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई वन का स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वन प्लस एंड नेक्स्ट इक्वेशन थी एक्स वन का स्क्वेयर वाई वन का स्क्यर माइनस सिक्स वन का स्क्वेयर प्लस फाइव देखिए इसका स्क्यर हो गया फोर बाय नाइन ये इधर चला गया ये इधर चला गया अब क्या हो जाएगा नाइन एक्स वन का स्क्वेयर माइनस फोर एक्स वन साथ में मैं, सेम जो वेरिएबल है वो एक साथ ला रही हूँ ठीक है प्लस नाइन वाई वन का स्क्वेयर माइनस फोर वाई वन का स्क्वेयर प्लस थर्टी सिक्स एक्स वन माइनस ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर इस तरफ आके प्लस हो गया प्लस ट्वेंटी फोर एक्स वन प्लस ट्वेंटी सेवन और फोर फाइव ट्वेंटी ये और ये तो माइनस ट्वेंटी दैट मीन्स क्या आ गया ये फाइव इतना इतना सोल्व कीजिए फाइव एक्स वन और प्लस फाइव वाई वन का स्क्र भी है साथ में प्लस थर्टी सिक्स एंड ये कितना हो गया सिक्सटी हो गया एड करके तो सिक्सटी एक्स वन एंड ये माइनस कर दोगे तो प्लस सेवन इक्वल टू जीरो क्लियर क्योंकि मैं एक तरफ शिफ्ट किया सारा तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू जीरो दैट मीन्स आपका अलोकस क्या हो गया फाइव एक्स वन ये वाला फाइव एक्स स्क् वन एक्स वन वाई वन और सिक्सटी प्लस सेवन ऑप्शन फोर्थ नेक्स्ट यह है न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फोर फाइव वेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट वन माइनस वन वी नो दैट ओरिजिन शिफ्टेड टू एच के मान लीजिए पॉइंट क्या है एच एंड के देन न्यू कोऑर्डिनेट एक्स वाई बिकम्स एक्स माइनस अगर कोऑर्डिनेट थे आपके एक्स वाई तो वो क्या बन जाएंगे फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच एंड वाई माइनस के होता फॉर्मूला तो आपका ये एक x है ये क्या है y है तो ये हो गया फोर और एक h था तो फोर माइनस वन एंड फाइव माइनस माइनस प्लस माइनस टू था वो तो क्या हो गया ये थ्री आ गया एंड गया सेवन तो आपके न्यू कोऑर्डिनेट कितने है? क्या हो गए थ्री एंड सेवन द नंबर ऑफ नॉन एम टी फॉर द सेट एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन एम टी सबसेट इज इक्वल टू टू एन माइनस वन और यहाँ आपको पता है एन कितना है फोर है तो ये हो गया डायरेक्ट ही सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन तो फाइनल आंसर इज फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड जेड की वैल्यू दी है तो आपको पूछा है आर्गूमेंट ऑफ जेड तो आर्गोमेंट ऑफ जेड के लिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट चाहिए तो इसको मुझे सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा जेड इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री वन प्लस आयोटा रूट थ्री ये दिया है आपको क्वेश्चन आप इसको रैशनलाइज करिए वन माइनस आयोटा रूट थ्री वन माइनस आयोटा रूट थ्री तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्केयर ऊपर ए माइनस बी का होल स्केयर नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये कितना हो जाएगा नीचे तो हो जाएगा वन माइनस आयोटा स्केयर और रूट थ्री का स्केयर थ्री हो गया यहाँ ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू इंटू ए इंटू बी ये हो गया तो ये कितना सॉल्व हो सोल्व होके क्या हो जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू रूट थ्री आयोटा ओवर वो आयोटा स्केयर नीचे भी माइनस वन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस दैट मीन ये हो जाएगा फोर तो फाइनल क्या बनेगा माइनस टू माइनस टू रूट थ्री आयोटा ओवर फोर अब अलग अलग कर दीजिए तो माइनस टू बाय फोर माइनस वन बाय टू एंड माइनस टू बाय फोर माइनस वन बाय टू साथ में रूट थ्री आयोटा तो इमेजनरी पार्ट भी आ गया एंड रियल पार्ट भी आपके पास आ गया अब हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ जेड वो होता है आपका इमेजनरी ऑफ जेड टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी ऑफ z तो क्या है इमेजनरी ऑफ z रूट थ्री बाय टू नेगेटिव में ओवर रियल ऑफ z तो रियल ऑफ z है माइनस हाफ विच इज इक्वल टू कैंसिल होके टेंजेंट रूट थ्री हो गया ये अब हमें देखना है जो हमारा इमेजनरी ऑफ z एंड रियल ऑफ z दोनों दोनों ही क्या है नेगेटिव है मतलब जीरो से लेस देन क्या है जीरो है तो दोनों नेगेटिव है तो अब ऐसा कब होता है जब नेगेटिव कौन से क्वार जब आपका कौन सा क्वार्रंट में आता है दोनों नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में तो तो यहाँ क्या होता है पाई तो दैट मींस ये क्या हो जाएगा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू टेंजेंट रूट थ्री पाई बाय थ्री होता है दैट मीन्स बट पाई प्लस पाई बाय थ्री करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये कितना हो गया फोर पाई बाय थ्री और पाई की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 180 तो ये हो गया आपका 60 तो 60 इंटू फोर टू फोर्टी डिग्री तो आपका फाइनल आंसर कितना है 240 फोर्टी आर्गूमेंट ऑफ दट इज इक्वल टू टू लास्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इसमें आपको फर्स्ट टर्म रूट टू है एंड कॉमन डिफरेंस रूट एट माइनस रूट टू रूट एट होता है टू रूट टू तो अगर रूट टू आप कॉमन लो टू माइनस वन आपका वन ही हो गया तो ये कॉमन डिफरेंस निकला ये फर्स्ट टर्म है और आपको बोला है सम ऑफ ट्वेंटी फोर टर्म्स तो एन आपका कितना है ट्वेंटी फोर है आपको पता है एस एन क्या होता है एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये आपका एस एन का फॉर्मूला है तो दैट मीन्स एस ट्वेंटी फोर कितना आ गया ट्वेंटी फोर बाय टू टू ए ए रूट टू है प्लस ट्वेंटी फोर माइनस वन ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई रूट टू तो अंदर सॉल्व हो जाएगा ट्वेल्व ये टू रूट टू प्लस ट्वेंटी थ्री रूट टू रूट टू कॉमन ले लेंगे आप तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव साथ में रूट टू तो आपका ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व होता है थ्री हंड्रेड और साथ में आ गया रूट टू तो एस ट्वेंटी फोर आपका थ्री हंड्रेड रूट टू ये आपका फाइनल आंसर आज के लिए इतना ही डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू वेरी मच